अभी हम मुंगेर लोकसभा में हैं और हमारे साथ राजद के कुछ नेता हैं, कार्यकर्ता हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर मुंगेर में क्या कुछ होने वाला है। सबसे पहले सर अपना परिचय बताएं। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। मेरा परिचय है, मेरा नाम प्रेम सागर यादव है जी। और मैं राष्ट्रीय जनता दल का उपाध्यक्ष हूँ जी। मुंगेर लोकसभा से कुमारी अनीता जी, जो अशोक महतो जी की पत्नी हैं, चुनाव लड़ रही हैं। क्या लगता है उनके जो प्रतिद्वंद्वी हैं ललन सिंह जी, दोनों के बीच क्या रहेगा? देखिए, पहले तो जो हमारी प्रत्याशी हैं, काफ़ी समझ बूझ के साथ हम लोग पूरा संगठन महागठबंधन चुनाव लड़ रहे हैं। और लगभग यहाँ से आप बख्तियारपुर से सबनीमा से उधर घोरघट पुल तक जब आप जाइएगा बरियारपुर, तो एक ही हवा बह रहा है बस, केवल कुमारी अनीता का। लोगों में इतना जोश है, इतना खरोश है, बढ़ चढ़ के जनता ही आगे है, इसलिए बहुत बढ़िया हवा है, बहुत अच्छा माहौल है। रहा हमारा प्रतिद्वंदी का, तो उनके बारे में तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, सारा लोग जान रहे हैं कि 10 साल वो सांसद रहे, 5 साल बिहार सरकार में मंत्री रहे, उनकी सरकार रही, विकास के नाम पर लोगों को ठगने का काम किए, कहीं कोई काम नहीं हुआ। कमी रही? कमी तो हर जगह है, आपको पूरा कहाँ दिख रहा है? जैसे शिक्षा में हो, चिकित्सा में हो, या फिर जो भी, कहाँ कमी क्या लग? देखिए, कमी आप चले जाइए, आप ये रोड केवल हाईवे को मत देखिए, आप चले जाइए ग्रामीण इलाकों में, चले जाइए बैकवर्ड कम्युनिटी के इलाकों में, सही से सड़क नहीं बना हुआ है, पीने का पानी नहीं है, स्वास्थ्य चिकित्सा स्वास्थ्य शिक्षा कुछ नहीं है, सब लोग ठगे महसूस कर रहे हैं। महंगाई चरम पे है, पहले तो महंगाई की भी बात है, महंगाई चरम पे है, तो हर चीज़ में ये लोग फैल हैं। केवल और केवल ये लोग अगर कुछ कर रहे हैं तो झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। ललन सिंह जी जो हैं, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं, है ना? तो क्या लगता है नीतीश कुमार के करीबी ललन सिंह को हराना आपको आसान लग रहा है? करीबी थे तब ना, 2010 में बोले थे कि नीतीश कुमार के पेट में 32 दांत है, तो करीबी लोग ही पेट का दांत जानते हैं, और कहे थे कि एक एक पेट का दांत निकाल के ऑपरेशन कर देंगे, तो कितना करीबी है वो बुझ रही है जनता, और इस बार ऑपरेशन जनता करने के लिए तैयार है। तेजस्वी यादव जी जहाँ भी जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका एक चल रहा है स्लोगन, 17 साल बनाम 17 महीना, यानी कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि जो किसी ने 17 साल में करके नहीं दिखाया, वो जो है हमने 17 महीना में करके दिखाया। क्या कहेंगे? देखिए, आप राजनीति में जब आते हैं तो लोगों की उम्मीद और आशा आपसे जुड़ता है कि नेताजी जो बोलेंगे वो करके दिखाएंगे। जैसे कि 2014 में मोदी जी पे लोगों को विश्वास था, एक ट्रेंड चल गया था कि युवा एक तरफ से सर मुड़वा के बीजेपी लिखता था और एक तरफ मोदी लिखता था, और देखते होंगे फेसबुक पे मोदी मोदी का नारा लगता था, जो अब नहीं दिखता है। तो मोदी जी भी कहे थे कि हम 2 करोड़ रोज़गार देंगे युवाओं को, 15-15 लाख रुपया खाते में देंगे, किसानों की आय दुगनी कर देंगे। किसानों को तो 2-2 हज़ार मिल रहा है ना सर? हाँ, 2-2 हज़ार मिल रहा है। रोजगार की बात किए थे तो वो तो कह रहे हैं कि सारे युवा जो है, सारे युवाओं को हम इतना जो है काबिल बना देंगे कि स्वरोजगार जो है करेंगे। पकौड़ी बेचेगा, स्वरोजगार, अपना जो भी पकौड़ी भी हो लेकिन अपना रोजगार। हाँ तो ठीक है, कहाँ करेगा अपना रोजगार, ये भी तो जगह भी तो बता दें, काबिल तो आप बना देंगे, और वो रोजगार करेगा कहाँ? MSME जो है उसके लिए है। रोजगार के लिए आपने क्या किया? क्या पर्यटन को बढ़ावा दिया? क्या कोई ऐसी फैक्ट्री खुलवाई? नहीं खुलवाई। आप कह रहे हैं कि स्वयं रोजगार करेगा, उसके लिए आप क्या करवा रहे हैं? एक चप्पल घिस जाता आप जो कह रहे हैं स्वयं सहायता समूह या जी MSME द्वारा जो है, हाँ लोन जो है, जो MSME की बात करें, आप MSME लोन लिए? हम तो नहीं लिए, यहाँ पे बैठे लोग लिए हैं, हम भी नहीं लिए हैं। योजना तो हुआ ना, प्रयास कीजिए, योजना तो बहुत सारी योजनाएं हैं। वो बोले कि खाता खुलवा लीजिए 15 लाख आ जाएगा, आ गया, वो भी तो प्रधानमंत्री ही बोले। कोरोना काल में सारे लोगों के खाते पर 500-500 रुपया आया था 3 दिन बाद, और 500-500 रुपया के जगह पर 55,000 का नोटिस भी आ गया था, जिसके खाते से जो मिनिमम बैलेंस का जो मैटर था कि कोई 500 से खाता खुलाया और 10 रुपया कम हो गया तो उसको 5,000 का नोटिस भी आ गया, ये भी बताइए। किसानों को 2-2 हज़ार मिल रहा है सर साल में, 6,000, 6,000 में आप अपना पालन कर लेंगे? राहत तो किसानों को मिल रहा है, कितना राहत, वही तो आपसे पूछ रहे हैं, 6,000 में आप जिंदगी जी लेंगे?
किसानों को तो कील भी ठुकवाया जा रहा है, ऐसा कभी हुआ क्या? किसान के लिए उनको आंदोलन करने नहीं दिया जा रहा है, उनको दिल्ली जाने नहीं दिया जा रहा है। ऐसा तो अंग्रेज के शासन में भी नहीं हुआ। अगर होता तो महात्मा गांधी जी चंपारण आंदोलन नहीं करते, नमक आंदोलन नहीं करते, सत्याग्रह आंदोलन नहीं करते। तो कहने का मतलब है, अगर लोकतंत्र में हम आज़ाद हैं अपनी आज़ादी के लिए लड़ने के लिए। अभी मोदी जी की गारंटी चल रही है सोशल मीडिया पे। देखिए, हमको लगता है कि बात आप ऊपर की पूछ रहे हैं और बैठे नीचे में हैं। हम जिला का नेता हैं, गारंटी कुमारी अनीता का हम दे सकते हैं कि वो जीत गए हैं। आप ऊपर हमको मत ले जाइए, सुने मेरी बात समझिए। हम अभी मुंगेर लोकसभा के, सुजगरा विधानसभा के गरीब बिशनपुर गांव में बैठे हुए हैं और हमारा कैंपेन कुमारी अनीता को लेके है। इसकी गारंटी आपको दे सकते हैं कि कुमारी अनीता जी भारी मतों से विजयी हो रहे हैं। तमाम जनता, गरीब, गुरबा, शोषित, वंचित, दबे कुचले सभी की आवाज़ बनके कुमारी अनीता जी और अशोक महतो जी आए हैं और पूरा मय है। एक पत्रकार बंधु पूछे थे कि सर सरगर्मी बहुत ज़्यादा है मुंगेर लोकसभा में, बोले हाँ सरगर्मी भी ज़्यादा है और गर्मी भी काफ़ी पड़ रहा है, मगर हवा कुमारी अनीता का ही केवल बह रहा। इसीलिए बिल्कुल हवा कुमारी अनीता के पक्ष में है। और आते आते आपको और जब नज़दीक समय जाएगा, आप कहाँ लेके चल जाते हैं मोदी जी के ऊपर। अरे मोदी जी तो बहुत कुछ बोले, किए क्या? अरे आप ये पूछिए ना कि सर मुंगेर लोकसभा में हवाई अड्डा खुल गया क्या, मुंगेर लोकसभा में एम्स बन गया क्या, मुंगेर में रोजगार और फैक्ट्री खुल गया क्या। राजनीति में जब कोई लोग आते हैं तो जो बात बोलते हैं उस पर जनता को एक भरोसा होता है कि हमारा नेता ये बोल के अगर वोट मांग रहा है तो वो हमको दिलाएगा। तो हमारे नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी कहे थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम 10 लाख युवाओं को रोज़गार देंगे। और जब उनको मौका मिला नीतीश कुमार जी के साथ सरकार बनाने का, तो 17 महीनों में लगभग 5 लाख रोज़गार देने का उन्होंने काम किया, जिसके भरोसा पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा नेता का जो फेस है उनके कथनी और करनी में जरा सा का फर्क नहीं है। बाकी तो लोग जो कह रहे हैं वो आप सुन ही रहे हैं और देख ही रहे हैं और हम समझ ही रहे हैं। इतना नौकरी दे रहे थे साथ में रहकर, नीतीश कुमार जी के साथ में रहकर, फिर भी नीतीश कुमार जी को ऐसा क्या लगा कि पलटी मार दी? देखिए, राजनीति में आप फिर हमको लेके जा रहे हैं ऊपर का। देखिए, ऊपर की बात करने के लिए हमारे प्रवक्ता हैं, बस केवल ये बोल सकते हैं कि राजनीति में प्रेशर पॉलिटिक्स करके एक लाइन होता है। तो नीतीश कुमार जी प्रेशर में गए हैं, अब किस चीज़ का प्रेशर में गए हम ये नहीं बता सकते हैं। सोशल मीडिया पर और भी चीज़ चलती है, नौकरी मतलब तेजस्वी यादव, यानी कहीं ना कहीं जिस तरीके से 17 महीने में युवाओं को तेजस्वी यादव जी रोजगार देने का काम किए हैं, तो क्या लगता है कुमारी अनीता जी को, जो मुंगेर लोकसभा के तमाम जो छात्र एवं छात्राएं हैं उनको जो नौकरी उनको चाहिए है ना, नौकरी मतलब तेजस्वी यादव जी, ये सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड हो चुका है तो सारे लोग इनको समर्थन करेंगे? देखिए, हमारे जो पूर्व के लोकसभा के जो सांसद हैं उनके पास ना कोई रीजन है ना कोई विजन है कि दोबारा जनता उनको चुनेगी। मगर वर्तमान जो मेरी सांसद है बहन कुमारी अनीता जी, जो हमारी घर की बेटी है, हमारी घर की बहन है, हमारे क्षेत्र की उम्मीदवार है, उनके पास एक पूरा डिजाइन तैयार है कि हम जब जीतेंगे तो स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा, बेरोजगारी, इन तमाम चीज़ों के लिए हम लोकसभा में आवाज़ ही नहीं उठाएंगे बल्कि उन पर हम काम भी करेंगे। तो जनता को तो भरोसा करना चाहिए। एक तरफ वो लोग हैं जो आपके वोट को लेके आपके साथ छल करने का काम किए, और एक ये वो लोग हैं जिनके साथ खड़ा हैं, जिन्होंने कहा वो करके दिखाया, उनके टीम की कुमारी अनीता जी हैं। तो ज़रूर लोगों को विश्वास है कि अगर तेजस्वी प्रसाद यादव जी कुमारी अनीता जी को टिकट दिया है और कुमारी अनीता जी कुछ बोल रही है, इसका मतलब है कि कुछ होगा। धन्यवाद। बाकी देख सकते हैं हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, इनसे भी जानेंगे क्या लगता है सर मुंगेर में क्या होगा? परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा। परिवर्तन कहें तो
कुमारी अनीता, कुमारी अनीता का विजय होगा और अबर बार परिवर्तन का लहर चल चुका है और बहुत जोर शोर से। आप लोगों का आशीर्वाद उनके साथ है। मेरा आशीर्वाद उनके साथ, धन्यवाद। इधर भी देख सकते हैं, हाँ, जिला अध्यक्ष जी हैं, राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष जी हैं। हम इनसे भी कुछ जानने का प्रयास करेंगे। काफ़ी जो है आपका उम्र सर हो गया है, लगभग 60 साल हो गया है, क्या लगता है पहले में और अब में मुंगेर में क्या होने वाला है? बहुत परिवर्तन होने वाला है और बिहार ही मुंगेर ही नहीं, लोकसभा पूरे बिहार में परिवर्तन होने वाला है। और जब जब भी इतिहास साक्षी है कि जब जब देश में परिवर्तन हुआ है बिहार ही करवाया है परिवर्तन। जान रहे हैं ना, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जननायक कर्पूरी ठाकुर, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी बिहार के ही थे परिवर्तन। और नया जो है, नया जब देश की आज़ादी हुआ तो पहला जो परिवर्तन करने के लिए महात्मा गांधी जी आए थे, जिसको कि यहाँ चंपारण में रह करके इनको महात्मा बना करके बिहार ने भेज दिया। इसलिए परिवर्तन होना है इस बार। और ये आपको मान लीजिए कि जनता की लहर है, जनता लहर नहीं तूफान बन गया है कि कुमारी अनीता को वोट दे करके कहाँ लोकतंत्र मंदिर में भेज देना है। हाँ, लोकतंत्र बहुत बड़ी बात बोल दी है सर कि इस बार जो है बिहार से जो है परिवर्तन स्टार्ट होगा। बाकी जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया जरूर बताएंगे। सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।